सो आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में। लास्ट कल हमने चैप्टर 6 क्लोज किया अमाइंस का टॉपिक कंप्लीट करके, तो सातवां चैप्टर है। मतलब हमारा 50% कोर्स हमारा हो गया, 13 चैप्टर्स हैं, तो 50% से तक अभी अगर ये 7 चैप्टर कर लेंगे तो 60% तक कोर्स हमारा हो जाएगा कवर अप। और वन ऑफ द फास्टेस्ट कोर्स यहाँ पर हम चला रहे हैं कराची के अंदर, तब तेज़ी के साथ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि न्यू बुक में इतने तेज़ी से कोर्स निकलता नहीं है जितनी तेज़ी से हम निकाल रहे हैं। तो आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, दिस इज़ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, तो ये सेम ये चैप्टर जो है हमारे इस फेडरल बोर्ड के पैटर्न पर रखा गया है। पुराने बुक के अंदर क्या था, चैप्टर 9 हुआ करता था हमारा, चैप्टर 8 था अल्काइल हैलाइड्स और चैप्टर 9 हुआ करता था कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। उसके अंदर अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह सब डिस्कस कर लिया करते थे। लेकिन अब जो हमारे पास जो न्यू बुक आई है उसके अंदर क्या है कि उस न्यू बुक के अंदर हमारे पास लाइक अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को हमने अलग कर लिया है, ठीक है, हमने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को हमने अलग कर लिया है और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स के पार्ट को हमने जो है वो सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया। तो इस लिहाज से हमारा ये एक अलग चैप्टर है। पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों के अंदर हमारे पास एक डिफरेंट एक चैप्टर होता है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जो कराची बोर्ड में भी सिंध बोर्ड ने इसको अलग से एक चैप्टर बना दिया, ठीक है, अलग से एक चैप्टर बना दिया। अब ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, दिस इज अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के नाम से ये चैप्टर है और इन तीनों के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हम जानते हैं या बल्कि अच्छे खासे चीज़ें हम जानते हैं और जो नहीं जानते अब इस चैप्टर में हम समझ लेंगे वो सारी चीज़ें। तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, ये तीनों हमारे पास पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अल्कोहल्स के बारे में भी आप जानते हैं, फिनॉल्स के बारे में भी आप जानते हैं और ईथर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया है। इनके बारे में अब कंप्लीट चैप्टर से मुराद ये है कि हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन वगैरह, यूजेस वगैरह सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने पिछले चैप्टर में अल्काइल हैलाइड्स और अमाइंस को इन डिटेल डिस्कस कर लिया था और नाम तो हमने उससे पहले भी उसका सुना हुआ था बट डिटेल में हमने चैप्टर 6 में डिस्कस किया। इसी तरह से यहाँ पर अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर को हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं इनके अंदर। तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर को, इन तीनों कंपाउंड्स को अलग से चैप्टर क्यों बनाया गया, सवाल ये पैदा होता है अक्सर बच्चे क्वेश्चन रेज करते हैं, तो मैंने आगे उसके लिख दिया है कि दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ये सारे वाटर के डेरिवेटिव्स हैं, मतलब इनका स्ट्रक्चर लगभग वाटर जैसा लगता है, वाटर की तरह लगता है। वाटर का स्ट्रक्चर आप जानते हैं इस तरह से होता है ना, HOH या ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन होते हैं, ये वाटर के हैं। अब ये इसके डेरिवेटिव्स हैं। अगर आप एक तरफ से H को हटाकर अगर R लगा दो तो आपको पता है ये हमारा अल्कोहल बन जाता है, ROH, ऐसा ही है। इसी तरह से अगर दोनों H को हटाकर R लगा लो तो यहाँ पर हमारे पास बन जाता है ईथर, और अगर एक H की जगह पर R जो लगा आप वो R कौन सा लगाओ, C6H5 मीन्स के फिनाइल रेडिकल अगर आप लगा दो तो इस सिनेरियो में, इस केस में हमारे पास क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है, C6H5OH, ठीक है, बेंजीन के साथ OH अटैच हो जाता है। तो दैट्स वाई इनको अलग से बेटा रखा गया है एक चैप्टर के अंदर, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, चुके दे ऑल आर डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। तो वाटर जैसे स्ट्रक्चर ही इनके होते हैं, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कुछ ना कुछ चीज़ें अटैच होती हैं। अल्कोहल में एक तरफ H, एक तरफ R होता है, ईथर में दोनों तरफ R होता है और फिनॉल में एक तरफ H होता है ऑक्सीजन के और एक तरफ हमारे पास जो है फिनाइल ग्रुप C6H5 जो है ना बेंजीन रिंग अटैच होती है, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, अच्छा इसको हम अलग अलग क्लासेस में करेंगे, तो लगभग कोशिश करें क्या पता तीन क्लास में हो जाए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। अगर हमें इस तरह की लंबी क्लास मिल जाए तो तीन क्लास भी काफ़ी है। एक में अल्कोहल डिस्कस कर लेंगे, एक में फिनॉल, एक में ईथर, काम खत्म हो जाएगा। अगर इसको हम बहुत लंबी क्लास में भी लेकर जा सकते हैं कोई भी टॉपिक्स को, लेकिन आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा समराइज और कॉम्प्रीहेंसिव वे पर बात करता हूँ कि हम बुक की एक एक लाइन को डिस्कस तो करेंगे लेकिन बहुत सिंपल और बहुत आसान तरह से और बहुत मुख्तसर फॉर्म में, ईजी फॉर्म में, ठीक है। तो इससे इंपॉर्टेंट मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए ना किसी भी टॉपिक पर आपको नहीं लिखा हुआ है कि मैंने ब्रैकेट डाल के इंपॉर्टेंट डाले, चूंकि मैं सब कुछ ही बता दे रहा हूँ आपको जो कुछ बुक में है, ठीक है ना। तो सभी कुछ मैं बता दे रहा हूँ और बेहतर यही होता है इंसान सब कुछ ही समझ ले थोड़ा थोड़ा करके, ये हमेशा से ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसलिए मैंने कहीं पर इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, चूंकि पूरी बुक यही है जो मैंने बोर्ड पर लिखी हुई अल्कोहल्स के बारे में, सो उसमें तो इतने सारे पेजेस हैं, तो उन्होंने लॉन्ग करके लिखा हुआ है, उन्होंने जो बात एक पेज में बयान किया मैं उसको एक दो लाइन में बयान कर दे रहा हूँ, लेकिन बात वो कर रहे हैं हम उसके अंदर सारी, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। इससे क्या होगा, याद करने में आसानी भी होगी और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आपने ओवरऑल कोर्स आपने उसका अहाता कर लिया, ठीक है, कम्प्लीटली, वो कुछ रहा नहीं है। तो अल्कोहल्स के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले अल्कोहल्स को स्टार्ट करेंगे आज। अल्कोहल की एक नंबर की डेफिनेशन अगर पूछे तो आप ये दो लाइन लिख देंगे कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच अल्काइल रेडिकल इज बॉन्डेड टू या बॉन्डेड विथ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब OH ग्रुप, इज कॉल्ड अल्कोहल। कितनी आसान डेफिनेशन हो गई कि अगर अल्काइल रेडिकल OH ग्रुप से अटैच करता है तो हम सब इसको क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। ये बात पता थी आपको,
ठीक है, और 100 बार हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं जब से ऑर्गेनिक हमने स्टार्ट किए, ऐसे ही है ना भाई, गिन लेंगे तो लगभग 100 बार तो पढ़ चुके होंगे अल्कोहल क्या होता है, आर के साथ OH अटैच होता है, दिस इज अल्कोहल। ऑर्गेनिक में यही बात होती है कि हर बार टॉपिक रिपीट ही होता रहता है, और आज भी आप देखोगे इस बोर्ड में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीटेशन है, 2 से 3 नई बातें हम करेंगे, इसके अलावा कुछ न्यू बात इस पूरे अल्कोहल्स के अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि सर आप तो वही सारी बातें पुरानी दोबारा से कर रहे हैं, तो ये नया चैप्टर कहाँ से। तो ऑर्गेनिक ऐसा ही होता है भाई, नए टॉपिक्स नहीं आते हैं, वही टॉपिक घूम रहे होते आगे आकर। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, जैसे सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन की थी लाइक अल्काइल हैलाइड्स की, तो 3 तरह से किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो अल्कोहल्स भी इस तरह से होते हैं, ये बात आप जानते हैं, क्लासिफिकेशन प्राइम। तो अच्छा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के अलावा उससे पहले हम उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स किसे कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप होगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होंगे, और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होगा, जिसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे, अटैच होंगे, ठीक है। तो 3 तरह के अल्कोहल्स हमारे पास आते हैं, OH ग्रुप कितने अटैच है, अगर एक ही अटैच है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, 2 OH ग्रुप अटैच है तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, 3 OH ग्रुप अटैच है तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में मिसाल ले लें तो मिथानॉल है, इथानॉल है, प्रोपानॉल है, ब्यूटानॉल है, ये सारे हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, तो इन सब में आप देख सकते हैं कि एक ही OH ग्रुप अटैच है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहेंगे, जिसमें 2 OH ग्रुप अटैच होगा, जैसे कि आप ये वाला कंपाउंड देख लें, क्या इस वाले एग्जांपल में 2 OH ग्रुप अटैच दिख रहा है आपको, इस एग्जांपल में इसका कॉमन नेम आप जानते हैं, दिस इज इथाइलीन ग्लाइकोल, ये इथाइलीन ग्लाइकोल होता है, इसी को हम लोग IUPAC में क्या बोलते हैं, 1-2-ethanediol या ethan-1-2-diol भी कह सकते हैं, ऐसा ही है। तो और ये हमारे पास आपको पता है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हमने पढ़ा था, इट इज़ यूज्ड एज एंटीफ्रीज, एंटीफ्रीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लाइक उसको इथाइलीन ग्लाइकोल को मैंने आपको बताया था, पेट्रोल को जमने से रोकता है ये, ठीक है, किसी भी लिक्विड को जमने से रोकता है ये, दिस इज एंटी फ्रीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल होता है बिकॉज इट कंटेन्स 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ठीक है। ट्राईहाइड्रिक क्या होगा, जिसमें 3 OH ग्रुप अटैच होंगे कार्बन के साथ। अब देखो एक 3 कार्बन है, तीनों के साथ OH लगा हुआ है, इसको कॉमन नेम में हम लोग क्या कहते हैं, ये भी याद है आपको, ग्लिसरीन कहते हैं उसको कॉमन नेम में, दिस इज ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन आपने देखा होगा विस्कस सा लिक्विड होता है, अक्सर स्किन वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं ग्लिसरीन को, इसके अलावा भी बहुत सारे इसके मेडिकल एप्लीकेशंस होते हैं ग्लिसरीन के, ठीक है। तो दिस इज ग्लिसरीन, ठीक है। तो ग्लिसरीन का गाढ़ा सा होता है, इसमें 3 OH ग्रुप अटैच होते हैं, दिस इज अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, इसको हम 1-2-3 प्रोपन ट्राइओल भी कह सकते हैं, या प्रोपन 1-2-3 ट्राइओल, चूंकि 1-2-3 तीनों पर OH ग्रुप लगा है, नेमिंग हमने इसे पहले पढ़ी हुई है, मैंने ऐसे लिख दिया, नहीं भी लिखता था तो आपको पता था किसका नाम कैसे निकलेगा, नोमेनक्लेचर है, पूरा चैप्टर चला गया हमारा, क्लियर है। तो ये मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, क्लियर समझ में आ गई बात, 1 OH, 2 OH और 3 OH ग्रुप अटैच होंगे। इसी तरह से आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, अगर 1 OH ग्रुप अटैच है तो उसके फर्दर 3 टाइप्स निकलेंगे हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, या 1°, 2°, 3° अल्कोहल। 1° अल्कोहल में क्या होगा, अल्फा कार्बन के सिर्फ एक तरफ रेडिकल अटैच होगा, दिस इज 1° अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल या 2° अल्कोहल क्या होता है, अल्फा कार्बन के साथ 2 रेडिकल अटैच होते हैं, और टर्शरी क्या होता है, 3° क्या होता है, अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल अटैच होते हैं। यही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, इसी तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हमारे पास अमाइंस भी होते हैं, अल्कोहल्स भी होते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल की एग्जाम्पल अगर हमने, तो क्या ये एक प्राइमरी अल्कोहल आपको दिख रहा है, देखें अंदर, अगर आप नहीं इसको चेक कर पा रहे तो ये देखो, ये हमारे पास OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहा जाता है, और अल्फा कार्बन के एक ही तरफ रेडिकल अटैच है ना, 2 तरफ तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। इसको हम लोग प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहेंगे, कॉमन में IUPAC में कहेंगे 1-ब्यूटानॉल, चूंकि फर्स्ट कार्बन से OH ग्रुप के अटैचमेंट है, 1-ब्यूटानॉल या ब्यूटानॉल। सेकेंडरी अल्कोहल की मिसाल लें तो देखो, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, ये हमारे पास OH हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है बेटा, फंक्शनल ग्रुप के साथ ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल्स अटैच दिख रहे हैं आपको, एक ये CH3 और एक ये CH3, दैट्स वाई हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो IUPAC में तो कहते हैं 1-2-3 नंबरिंग कर देते ना, 1-2-3-4, 2-ब्यूटानॉल या ब्यूटान-2-ओल हो गया ये हमारा IUPAC में। कॉमन में क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसी को आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं उस पर बात नहीं कर रहा, वो एक अलग बात हम कर चुके हैं, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल किसे कहेंगे, जिसमें अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल अटैच हो, बड़ा मशहूर है, जैसे ये OH ग्रुप हमारे पास आ गया, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन आ गया, अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल आप अटैच देख सकते हैं, दिस वन इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये अल्फा कार्बन के 2 तरफ 3 तरफ रेडिकल अटैच है,
IUPAC की बात करें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाकर नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3। तो ये हमारा 2 मिथाइल उसके बाद 2 प्रोपोनोल हमारे पास एक लाएगा। चेन बनाना पड़ता है ना भाई IUPAC करने के लिए, तो 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, 2 पर प्रोपोनोल है, या 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फिर हम 3 क्लासेस में डिफाइन कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्लियर है? दोबारा से अभी पुरानी बात रिपीट हो गई। आप बोलोगे सर बार बार लिखे जा रहे हैं, हाथ में दर्द और इसके अलावा कुछ नहीं, तो यही होता है ऑर्गेनिक में, ठीक है? एक ही चीज़ को बार बार लिखते रहे, पता है कॉपी तो भरनी है ना भाई जो कॉपी खरीदी है, लेकिन नया कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। मज़े की बात तो ये, बाकी सब्जेक्ट में तो नया नया कॉन्सेप्ट आ रहा होता है, उठ के हाथ में दर्द अलग हो रहा है, सर में अलग दर्द हो रहा है, इसमें ये टेंशन नहीं है, एक ही टॉपिक बढ़ा हाथ ही में दर्द होगा चूंकि टॉपिक पढ़ा हुआ है। सही बात है ना भाई? तो ये तो मज़े की बात है, सौर मज़ेदार बात क्या होगी? लिखना तो है ही ना, स्टूडेंट का काम लिखना है, लिख लेंगे, लेकिन टॉपिक तो नया नहीं आ रहा ना भाई, रिपीट होते जा रहे, मज़े की बात हुई है। क्लियर है? समझ में आ गया तो कोई मसला? तो अल्कोहल्स के 3 टाइप है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। फिर मोनोहाइड्रिक को हम 3 क्लासेस में डिफाइन कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। डिपेंड किस पर करेगा? अल्फा कार्बन की कितनी तरफ रेडिकल अटैच है, 1, 2 या 3। कोई मसला? सिंपल है। एग्जाम्पल इसमें मैंने इसे पहले भी बहस कर ली है उसके ऊपर ना, तो मैं उसको और एग्जाम्पल्स नहीं दे रहा, ठीक है? क्लियर? तो सब डेफिनेशन समझ में आ गई? कोई मसला? ये वाला, यस, सॉरी मैंने तो उसको एक कार्बन का, तो ये प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी नहीं होगा ऐसे तो, ठीक है? सही कह रहे हो आप लोग, बिल्कुल करेक्ट। ये मैंने गलत स्ट्रक्चर बना दिया है, अब आपको यकीनन ये सही लगेगा, अब करेक्ट है, यस सही, ओके सेट अप। तो वो मेरी गलती थी यहाँ पर, ठीक है? तो या तो हम उसको, अगर अच्छा 3 ही रहता तो उसको 1 प्रोपोनोल या प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल कह सकते थे हम, या तो हम यहाँ चेंजिंग कर लेते हैं, तो मैंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, बात हुई कि। और बाकी मसला को मसला तो नहीं, और क्लियर है, बाकी सेट है? कुछ पूछना है किसी को? नथिंग, आगे बढ़े, ठीक है? तो कोई देखो नई बात नहीं थी इसके अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट कॉलम के अंदर देर इज नथिंग न्यू इन इट ना, ठीक है? अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स के अंदर, दैट इज ऑल्सो नॉट न्यू। स्ट्रक्चर पर भी कोई न्यू बात नहीं है, क्यों? चूँकि इसका स्ट्रक्चर सेम है इस वाटर मॉलिक्यूल, वाटर की तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। वाटर के स्ट्रक्चर आपने बनाया था क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर, चैप्टर 3 के अंदर, एंगुलर बेंट होता है, वी शेप होता है, उल्टा वी बना होता है ऐसे करके, 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल, याद आ रहा है कुछ? 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, वेस्पर से ही बता दे रहा, मैं हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं कर रहा, वेस्पर में शॉर्ट होता है। तो अगर 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर आते हैं तो शेप क्या होता है? एंगुलर बेंट होता है, वी शेप होता है, ऐसा ही है। अल्कोहल के इसमें भी तो ऐसा ही होता है। अगर आप अल्कोहल की बात करोगे तो CH3OH मान लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हुआ हमारा, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पेयर हैं इसके तरफ और 2 लोन पेयर होंगे इसके पास। अब 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर होंगे तो शेप कैसा होता है? एंगुलर या बेंट। लेकिन बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा वेरिएशन आती है। वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होती है ना, इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 108.9 होता है इसकी जो बॉन्ड एंगल होती है। बेंट स्ट्रक्चर ही बनेगा लेकिन 108.9 डिग्री पर हमारे पास ही बनेगा, होगा उल्टा भी, ठीक है? तो सेम वाटर के स्ट्रक्चर भी तो ऐसे ही बनाते हैं, बस क्या CH3 की जगह पर एच होता है, बस बॉन्ड एंगल यहाँ पर चेंज करके 108.9 कर दें, MCQs में पूछ सकते हैं, ठीक है? अल्कोहल्स के अंदर बॉन्ड एंगल क्या होती है, क्लियर है भाई? तो कोई मसला स्ट्रक्चर समझ में आ गई बात? सेम वही है जो अपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा होगा ना, लाइक वेस्पर मॉडल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये वही बात है। हाइब्रिडाइजेशन से भी शो कर सकते थे बट थोड़ी लंबी कहानी हो जाती है, तो मैंने नहीं किया, मैंने ऐसे ही शो कर दिया। शेप किसी तरह भी शो कर सकते हैं आप, वेस्पर से भी और हाइब्रिडाइजेशन से भी, दोनों करेक्ट है ना? जब हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर गिन लेते हैं तो दैट इज वेस्पर, 2 बॉन्ड पेयर है 2 लोन पेयर है, क्लियर है? ये तो पता, ऑक्सीजन के लास्ट चल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 लोन पेयर बच रहे हैं, ये तो पता है ना सबको? को मसला स्ट्रक्चर डन, ठीक है? को मसला, ओके। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की तरफ, अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखो जिस पे मेन हम बात करेंगे ना आज के टॉपिक में, वो हमारे ये है प्रिपरेशन और रिएक्शंस, इस पे मेन बात होगी, पूरा टाइम इसी पे जाएगा हमारा, चूंकि मैंने रिएक्शंस लिखे नहीं है, सिर्फ हेडिंग डाली हुई है, ग्रिग्नार्ड रीजन में जैसे मैंने किया था तो पूरा टाइम लग गया था उसमें करने में, एल्डिहाइड, कीटोन कितने सारे हुए थे, तो एक्स्ट्रा ही हो गया था टाइम बल्कि। तो यहाँ पर सेम सारा टाइम हमारा यहाँ पर लगेगा लास्ट वाले कॉलम के अंदर, उस वक्त तक ये सारा मिट जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद भाई के देख कर, चख कर, सूंघ कर, स्मेल वगैरह ये सब चीज़ें, स्टेट वगैरह, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब बताते हैं और हर कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और वही सेम कॉन्सेप्ट इन 4 पॉइंट के अंदर या 5 पॉइंट के अंदर हम चला देंगे जो हमने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो याद रखें कि शुरू के, आपको पता है होमोलोगस सीरीज के जो होते हैं ना, उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होते, नीचे बढ़नी शुरू हो जाती है। तो मिथेनॉल से लेकर ब्यूटानॉल तक हमारे पास कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, 4 जो हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, स्टार्टिंग के 4 मेंबर। अच्छा, गैस नहीं होते हैं। अब बोलोगे सर मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तो गैस होता है सर ये, तो ये क्यों? चूंकि
वो जो होते हैं हमारे पास मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, उनमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स वीक होती है, चूंकि एल्केन्स नॉन पोलर होते हैं और उनके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज होती हैं, ऐसे ही होता है ना। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी आपको, दिख रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रही दिख रही है ना भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे कहते हैं, जब हाइड्रोजन एफ वन में से किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 100% यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग हो जाएगी, तो इसके स्टार्टिंग के मेंबर बताए गैस होने के क्या होंगे, लिक्विड्स होंगे, ठीक है। दैट्स वाई मिथानॉल से लेकर ब्यूटानॉल तक ये हमारे पास कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, गैसेस नहीं होते हैं। वैसे भी इथानॉल हो गया हमारे पास, मिथानॉल स्पिरिट होता है, इथानॉल शराब होती है, ये सारी चीज़ें लिक्विड ही होती हैं, वो तो कॉमन सेंस भी लगा लोगे तो बच्चे को समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो मिथानॉल से लेकर ब्यूटानॉल तक कलरलेस लिक्विड्स हैं विद अ स्वीट स्मेल, और स्वीट स्मेल होती है इसकी, इथानॉल वगैरह जब आप कभी इथाइल अल्कोहल को जब आप सूंघते हैं लैब में भी होता है तो वो मीठी से खुशबू, होम्योपैथिक स्मेल जिसको हम लोग कहते हैं। कभी क्लिनिक्स वगैरह में जाते हो या होम्योपैथिक की अगर कभी आप उसमें जाओगे ना क्लिनिक्स में, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक एक अलग से स्मेल आती है क्लिनिक्स वगैरह से ना, वो आग बंद करके भी आपको पता लग जाता है कि यार ये क्लिनिक है कोई, तो वो दिस इज़ द स्मेल ऑफ इथानॉल, मीठी सी स्मेल एक होती है, मीठी मीठी स्मेल जो क्लिनिक से आ रही होती है या जो होम्योपैथिक दवाइयों से आ रही होती है, तो वो हमारे पास क्या होती है, इथाइल अल्कोहल की होती है, इथानॉल की अभी पढ़ेंगे आगे। तो ये सारे मिथानॉल से लेकर ब्यूटारोल तक, मिथानॉल इथानॉल प्रोपेनॉल ब्यूटारोल, स्टार्टिंग के फोर मेंबर क्या है बेटा, कलरलेस लिक्विड है विद अ स्वीट स्मेल, मीठी खुशबू के साथ, एंड हायर मेंबर्स आर वैक्सीय सॉलिड। अब ब्यूटानॉल के बाद पेंटानॉल, 5 कार्बन और आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो अब क्या होंगे बेटा, सॉलिड होंगे, और सॉलिड कोई हार्ड सॉलिड नहीं होंगे, कोवेलेंट सॉलिड्स वीक होते मतलब सॉफ्ट से होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड या वैक्सी मतलब मोम जैसे सॉलिड हमारे पास ही होंगे। तो शुरू के चार हमारे पास जो है वो लिक्विड्स हैं, बाकी सारे हमारे पास जो है वो सॉलिड्स हमारे पास होंगे इसमें, ठीक है। और हम लोग पढ़ते हैं शुरू वाले ही हैं, मिथानॉल इथानॉल को ही दुनिया पढ़ रही होती है, बहुत ज़्यादा प्रोपेनॉल को, उसके आगे हम लोग पढ़ते भी नहीं है, तो वो सारे हमारे पास वैक्सीय सॉलिड्स होते हैं। जब वैक्स को हम पढ़ेंगे लिपिड्स वगैरह को तो वहाँ बताऊँगा मैं आपको उसके बारे में, समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट सबको। सेकंड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स इज मोर देन अल्केन, ये बात मैं बता चुका आपको, सिंपल सी बात है, क्योंकि अल्केन्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है और अल्कोहल में ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और अल्केन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, ऐसा ही है। थर्ड है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द होमोलोगस सीरीज, ये भी हम जानते हैं, डाउन द सीरीज जब जाते हैं तो क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए तभी तो शुरू वाले लिक्विड्स उसके बाद सॉलिड्स आ रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होना जरूरी है टॉप से बॉटम जाते हुए, क्लियर है। थर्ड पॉइंट भी कॉमन सेंस पे उतरता है, कोई रट्टा नहीं मारने की चीज़ है कि सर आपने छोटा से लिखा है याद कर लेंगे, इसी बात को हम 10 लाइन में भी लिख सकते थे और आप भी लिखना चाहिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया क्या ये, ठीक है। आप ये नहीं सोचिए सर आप शॉर्ट शॉर्ट लिखाते तो बड़ा आसान हो जाता है, भाई आप इसको लॉन्ग करने की सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए, अगर आप, मैं तो इसलिए करता हूँ, मैं बार बार लिखना नहीं चाहता बोर्ड पर, तो मैं चाहता हूँ एक ही बार मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके सारी चीज़ें कर लूँ, वरना मैं इसको इसी को मैं 10-10 लाइन भी लिख सकता हूँ और आपको मैं समझा भी सकता हूँ और आप समझ भी सकते हैं 10 लाइन के अंदर इस बात को, लेकिन आपको पता है मैं बड़े कॉम्प्रिहेंसिव वे पर चीज़ें लिख रहा होता हूँ, बहुत कॉन्साइज करके, ताकि सिंपली बस चीज़ समझ में आ जाए, और जो चीज़ें पहले से पढ़ी हुई उसको बार बार दोहरा के फायदा, अगर बुक में यही किया जाता है तो बुक इतनी मोटी हो जाती है आपकी, ठीक हो जाती है, क्योंकि इसमें बार बार टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज किया जाता है और दोबारा डिटेल उसकी फराम की जाती है, और हम ऐसा नहीं कर रहे होते तो हमारा लेक्चर शॉर्ट हो जाता है बुक के मुकाबले में, ऐसे ही है ना भाई। तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स की क्या होती है, अल्केन से ज़्यादा होती है, ये तो बता दिया, डाउन द सीरीज बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट। आखिरी वाली बात भी मैंने आपको अल्केन्स के लिए बताई थी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन अल्कोहल्स इज मोर देन ब्रांच चेन अल्कोहल। स्ट्रेट चेन अल्कोहल में चेन लंबी होगी, जितनी चेन लंबी होती है उतना ज़्यादा जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होती है। अब जाहिर सी बात अगर चार अगर टाइप के हम अल्कोहल ले लें, एक हम ले लें प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ऐसे जहन में इमेजिन करो तो प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल चारों कार्बन चेन में सीधे लगेंगे तो लंबा चेन होगा ना भाई इसका, ये रहा, और सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में क्या होगा, चेन छोटी हो जाएगी, टर्शरी में चेन और छोटी हो जाएगी, जितनी चेन छोटी होती शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक होने शुरू हो जाएंगे। दैट्स वाई हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स की या 1 डिग्री अल्कोहल्स की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, किससे, 2 डिग्री से, और 2 डिग्री अल्कोहल की ज़्यादा किससे होती है, 3 डिग्री से, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री की होगी, लोएस्ट 3 डिग्री अल्कोहल की होगी, बात वही है कि कार्बन चेन की लेंथ पर बात आ जा रही है, सही है। तो एक ही अगर ब्यूटेन में ब्यूटाइल अल्कोहल में रहते हुए अगर हम ब्रांचिंग करना शुरू कर दें या तो फिर क्या होगा, जितने ब्रांच अटैच होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा, चूंकि चेन छोटी होनी शुरू हो जाएगी, और जब चेन छोटी होती है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होती है, ऐसा ही है। कई बार ये बात रोजाना बात करते हैं हम ऐसे, जब भी हम फ्राइडे सैटरडे को क्लास करते हैं तो ये बात कर रहे होते हैं क्लास में, ठीक है।
तो कभी तो आ जाएगा आपको, आज नहीं तो कल, मेरी बात सुनते सुनते कभी तो जहन में आएगी ना ये बात कि हाँ सर क्या बात कह रहे, इसका मतलब क्या है। तकरार दोहराना इसी को हम कहते हैं, बार बार दोहराते हैं बात को तो चीज़ें क्लियर होती रह जाएंगी। नंबर पाँचवा है, फिफ्थ, आप देखो ये भी बात कोई नई बात नहीं कर रहा। अब मैंने आपको बताया था लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऐसे ही ना भाई। अब ये हमारे पास पोलर तो 100% पोलर है ना, ये पोलर है तो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा ये, तो दैट्स लिख दिया मैंने। अल्कोहल्स आर सॉलेबल इन वाटर ड्यू टू इट्स पोलर नेचर, पोलैरिटी दिख रही है ना आपको, ये कितना हाई इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होता है ओ और एच में, तो पोलैरिटी आनी तो बनती है इसके अंदर, तो पोलैरिटी आ रही है। एच पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ रहा है, तो चूंकि पोलर बॉन्ड है इसके अंदर मौजूद, दैट्स वाई ये पोलर नेचर रखते हैं और सॉलेबल इन वाटर होते हैं। एंड सॉलेबिलिटी डिक्रीज डाउन द होमोलोगस रेस ड्यू टू इंक्रीज इन नॉन पोलर नेचर, इससे पहले भी मैंने अमाइंस के लिए भी कल बात की थी। जब हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है कि कार्बन की चेन बड़ी होनी शुरू हो जाती है, और कार्बन की जो चेन होती है वो नॉन पोलर चेन होती है, तो नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेट जब करते हैं तो वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। दैट्स वाई अगर आपको चार ऑप्शन दिया जाए एमसीक्यूज में, ये एप्टीट्यूड में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना ये पहले नहीं होते थे हमारे ना इंटर के, ये सब जो मैं बताता हूँ ना आपको फैक्टर्स टॉप से बॉटम का होमोलोगस सीरीज के अंदर, ये चीज़ें पहले हमारे कोर्स में नहीं थी, ये हमें न्यू बुक के अंदर डाला गया है। हमें एप्टीट्यूड के अंदर, एम कैट के अंदर, एम डी कैट के अंदर इसको बताना होता था अलग से बच्चों को। अब ये कि सेकेंड ईयर में जब आप कर रहे हैं तो एंटी टेस्ट में ऑटोमेटिकली आपको पता होगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खासतौर पर एम डी कैट के स्टूडेंट्स को। तो चार ऑप्शन आपको दिया जाता है, एम डी कैट का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिया जाता है, मिथानॉल, इथानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, और वो बोला जाता है कि बताओ सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन चारों में से किसकी होगी। तो सबसे छोटा चेंज इसका हमारे पास, सॉरी, विच इज़ मोस्ट सॉलेबल इन वाटर, विच इज़ मोस्ट सॉलेबल इन वाटर, सबसे ज़्यादा सॉलेबिलिटी किसकी होगी, सबसे छोटा चेंज इसका है, तो मिथानॉल इज मोस्ट सॉलेबल इन वाटर और ब्यूटानॉल इज लीस्ट सॉलेबल इन वाटर। तो ये चीज़ें हमें यहीं से पता लगती है ना भाई, चूंकि नॉन पोलर नेचर बढ़ रहा है इसका है, तो इस चीज़ को याद रखना। तो ये हमारे पास क्या होगा, सॉलेबिलिटी डाउन द सीरीज होमोलोगस सीरीज क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज होगी नॉन पोलर नेचर बढ़ने की वजह से, सॉरी यस डिक्रीज डाउन द होमोलोगस सीरीज टू इंक्रीज इन नॉन पोलर नेचर, सही है, सही लिखा हुआ, बस समझ में आ गया। पाँचों पॉइंट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं इसके अंदर जाकर हमारे, जो सिर्फ अल्कोहल में नहीं, अमाइंस में और अल्काइल हैलाइड्स में, अल्केन्स में, हर जगह आपको हेल्प करते हैं जाकर ये सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी में हम यही बात लिख रहे होते हैं, कलर क्या है, टेस्ट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सॉल्युबल वाटर में है कि नहीं है, यही बातें कर रहे होते हैं। सारे जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी आप देख लो उठा के, सब में यही बात है। ये एमसीक्यूज की सूरत में आ रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में आएगा, बट इसका ज़्यादा फायदा आपके एमडी कैट के अंदर और ई कैट के अंदर पहुँचेगा, जब वहाँ पर जब आप तैयारी करोगे ना एंटी टेस्ट की, तब उस सूरत में दिस विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू, दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज, अदरवाइज हमारे बच्चे सेकेंड ईयर में इसको याद नहीं करते फिजिकल प्रॉपर्टी, चूंकि आता ही नहीं है, वो देखते लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ और आया हुआ है, SN1 SN2 E1 E2 आया हुआ है, ग्रिग्नार्ड रीजन के देखे, वो सब कर रहे होते हैं कराची के बच्चे, ये तो कोई देखता भी नहीं फिजिकल प्रॉपर्टी को, बट ये आगे काम एंटी टेस्ट में बहुत आता है, एंटी टेस्ट में तो यही आ रहा होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रही उठ के, तो एक जगह फंस बच जाओगे तो वहाँ फंस जाओगे, तो बेहतर है कि सेकेंड ईयर में ही पढ़ लो, आगे तो काम आना ही है, क्योंकि एक दो नंबर के एमसीक्यूज यहाँ आ रहे हैं ना, बट वहाँ तो एमसीक्यूज का बड़ा वेटेज होता है, 54 एमसीक्यूज आपके पास बायोलॉजी केमिस्ट्री के होते हैं, तो वहाँ तो बहुत एमसीक्यूज आ सकते हैं, एमकेट के अंदर बात कर रहे हैं, एनईडी में 25 एमसीक्यूज होते हैं, बस समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये हमारे पास हो गए, दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स की बात यहाँ पर हम कर रहे थे। तो नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स पर, यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टी में मसला किसी को, क्लियर है सारी चीज़ें यहाँ तक, डन है, ठीक है। अब आते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की एसिडिटी, देखो अल्कोहल्स का नेचर पता है, मुझे नहीं याद पड़ता, मैंने बताया नहीं बताता है, लेकिन अल्कोहल्स का नेचर एसिडिक होता है, अल्कोहल्स एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे इथाइन का मैंने बताया था आपको, उससे पहले एसिडिक नेचर होता है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर इथाइन एसिडिक नेचर होते हैं, क्योंकि वो एसिड किसे कहा जाता है, मैंने आपको बताया था एरेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, जो H प्लस को लॉस कर सकें, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर सकें, एक ही बात है, H प्लस डोनर्स हमारे पास एसिड कहलाते हैं, जो H प्लस दे देते हैं। तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स क्या होते हैं, अल्कोहल्स आर वीक एसिड्स, अल्कोहल्स हमारे पास वीक एसिड होते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो हमारे, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का तो तस्करा ही नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात कर लें, इथाइन्स की बात कर लें, अल्कोहल्स की बात कर लें, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे वीक एसिड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते हैं, ये बात पक्की है। इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में जितने भी एसिड होते हैं सब वीक होते हैं, कोई भी एक भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, याद रखना इस चीज़ को। तो जाहिर सी बात अल्कोहल भी वीक एसिड्स होंगे,
लेकिन एसिड तो है, ये बात तो पक्की है, एसिड तो मतलब H प्लस लॉस करेंगे, बिकॉज दे कैन डोनेट या दे कैन लॉस H प्लस आइंस, चूंकि H प्लस आइंस को डोनेट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, एसिड की कैरेक्टरिस्टिक यही होती है। और एसिडिटी ऑर्डर क्या हमारे पास है, ये भी याद रखिए, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, प्राइमरी अल्कोहल्स 1 डिग्री अल्कोहल्स ज्यादा एसिडिक होते हैं सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा एसिडिक होते हैं टर्शरी से। अब देखो H प्लस को लॉस करना है ना, अब स्टेरिक हेंड्रेंस में यहां पर बात होती है, जब स्टेरिक हेंड्रेंस ज्यादा होती है तो H प्लस को लॉस करना मुश्किल होता है, और आपको पता है टर्शरी के अंदर स्टेरिक हेंड्रेंस ज्यादा होती है तो वो आराम से H प्लस लॉस नहीं कर सकता, प्राइमरी के अंदर सबसे कम होती है स्टेरिक हेंड्रेंस तो वो आराम से लॉस कर सकते हैं, दैट्स वाई प्राइमरी ज्यादा एसिडिक होता है सेकेंडरी से और सेकेंडरी ज्यादा एसिडिक होता है टर्शरी से, मोस्ट एसिडिक प्राइमरी है, लीस्ट एसिडिक टर्शरी है, क्लियर। तो ये एसिडिटी ऑर्डर मैंने लिख दिया यहाँ पर, बाकी रीजन आप याद रखो, स्टेरिक हेंड्रेंस का रीजन है जो उससे पहले हमने किया था चैप्टर 6 के अंदर। अब आज रिएक्शन देख लो, एक एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं कि रिएक्शन के थ्रू साबित करते हैं, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल आ गया C2H5OH, ठीक है, इसके रिएक्शन हमने कर दिया सोडियम के साथ Na के साथ। अब अगर ये अपना H प्लस लॉस कर देता है इथाइल अल्कोहल, तो इससे साबित हो जाएगा कि ये हमारा एसिडिक नेचर का है, ठीक है, और देखो ऐसा कर रहा है, ये H प्लस हो गया और यहाँ OH पर माइनस हो गया। अक्सर बच्चे ना इसको बेस की तरह से ओपन करते हैं, जैसे बेस होता है ना, जब हम NaOH लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बेस में हम क्या करते हैं कि हम OH माइनस को अलग कर देते हैं, Na प्लस को अलग कर देते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, बेस की सूरत में हम ऐसे ही कर रहे होते हैं, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है। अच्छा, अल्कोहल भी लगभग ऐसे ही लगता है, अल्कोहल को देखने में धोखा होता है, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे आप देखते हैं ना C2H5OH, अब ये देखने में कैसा, बिल्कुल आपको बेस की तरह ही लग रहा है, इसमें भी OH ग्रुप है, तो बच्चों को ये लगता है यार चाहिए तो बेस होगा, OH नेगेटिव लॉस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अल्कोहल्स अपना H प्लस लॉस करते हैं, अल्कोहल्स एसिडिक नेचर के होते हैं, OH ग्रुप होता तो है इसके अंदर, बट इसका ये मतलब नहीं कि OH लॉस करता नॉर्मल कंडीशन पे, ये अपना H प्लस ही लॉस करता है, और यहाँ आपको दिख रहा है सर कि इसमें अपना H प्लस है ना, H प्लस लॉस कर दिया और सोडियम प्लस जाकर इस ऑक्सीजन से अटैच हो गया, तो C2H5ONa बन गया हमारे पास, और हाइड्रोजन अलग हो गया, तो हाइड्रोजन गैस बनकर वो हमारा निकल गया गैस की सूरत में, और ये तो हम जानते हैं इस कंपाउंड का नाम, अगर आपने पढ़ा है, दिस इज सोडियम ईथॉक्साइड कहते हैं इसको, दिस इज सोडियम ईथॉक्साइड, तो ये सब पहले पढ़ा भी हमने इस कंपाउंड को, तो C2H5ONa, तो ये हमारे पास बना, तो इससे सॉल्ट एक है ये। तो कहने का मकसद इस वाले इक्वेशन से साबित हो चला कि अल्कोहल्स एसिडिक नेचर के होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं अपना H प्लस लॉस कर रहा है, अगर ये OH माइनस लॉस कर देता है इस रिएक्शन के अंदर तो साबित होता है कि ये बेस है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्लियर। तो एक इक्वेशन से, बस बुक में एक ही इक्वेशन है भाई, एक बता दे रहे, तो मसला, तो एसिडिटी समझ में आ गया, टॉपिक एसिडिटी ऑफ अल्कोहल का, अल्कोहल एसिडिक नेचर रखते हैं क्योंकि अपना H प्लस लॉस करते हैं, और प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा एसिडिक होता है टर्शरी से, तो मसला। इसके बाद हम आएंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पर, अल्कोहल्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो मल्टीपल वेज हैं, तो क्या हम इसको करेंगे, बट इसके लिए पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रिपरेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको जो है वो यूजेस बता देता हूँ, तो यूजेस ऑफ अल्कोहल्स, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, अल्कोहल्स के इस्तेमाल क्या होते हैं, तो काफ़ी सारे यूजेस हैं, तो तीन यूजेस हमारे बुक में इस वक्त डाले गए हैं इसके, ठीक है, तो तीनों यूजेस देख लेते हैं, एक मिथानॉल का है, एक इथानॉल का है, और एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का है। मिथानॉल तो आपको पता है CH3OH है, तो इस मिथानॉल इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन स्पिरिट लैंप, इसी मिथानॉल को हम लोग स्पिरिट भी कहते हैं, वुड स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिट का नाम सुना होगा, तो स्पिरिट हमारे पास मिथानॉल होता है, ये एक अल्कोहल है, फर्स्ट मेंबर होता है ना अल्कोहल फैमिली का, इसको ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं स्पिरिट लैंप में, आपने कॉलेजेस के अंदर तो वैसे बर्नर्स यूज़ किए जाते हैं, बंसन बर्नर्स यूज़ होते हैं कॉलेजेस में, लेकिन अगर आपने स्कूल्स में अक्सर देखा होगा कि एक लैम्प टाइप का होता है ना, स्पिरिट लैम्प उसको हम कहते हैं, तो उसमें अंदर एक लिक्विड डाला हुआ होता है फ्यूल, उसको जलाया जाता है, तो वो स्पिरिट लैम्प इसलिए कहते हैं कि उसमें स्पिरिट डाला होता है, मिथानॉल होता है उसके अंदर, तो मिथानॉल का फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, फिर वो जब वो जलता है तो उससे हम कोई भी रिएक्शंस वगैरह कर रहे होते हैं, बाकी कॉलेजेस में तो अक्सर हमने देखा है कि वो बर्नर्स लगे होते हैं, गैस बर्नर्स होते हैं, ठीक है, स्कूल्स में अक्सर, स्कूल में भी बर्नर्स होते हैं, बट अक्सर स्कूल में स्पिरिट लैम्प भी होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है इथानॉल, इथानॉल मतलब इथाइल अल्कोहल, ये बड़ा फेमस है, तो इथानॉल इज़ यूज्ड एज टिंचर, इथानॉल के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, और जो अल्कोहल्स, देखो अल्कोहल्स सारे अल्कोहल शराब नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है ना, जैसे मिथानॉल भी अल्कोहल है बट ये शराब नहीं है, जो शराब जिसको हम कहते हैं जिस अल्कोहल का, वो हमारे पास सिर्फ ये दूसरा वाला होता है इथानॉल, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, जो हराम है जिसको हम कहते हैं इस्लाम के अंदर, वो ये होता है इथानॉल, जिसको शराब कहा जाता है, जिसको पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इथानॉल कहलाता है, ग्रेन अल्कोहल अनाज वगैरह से बनता है, पिछली किताब के अंदर जो है वो पूरी फर्मेंटेशन का प्रोसेस था, जिसमें इसको बनाने का तरीका था, फर्मेंटेशन से कैसे बनाते हैं, न्यू बुक के अंदर इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है,
तो अब नहीं है इसके अंदर कि किस तरह से इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हैं। तो शायद इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स, आई डोंट नो क्यों उसको हटाया गया, बट फर्मेंटेशन का प्रोसेस ख़त्म कर दिया गया। तो लेकिन बड़ा एक मज़ेदार प्रोसेस होता है उसको समझना, उसको सीखना चीज़ों के बारे में, चूँकि बनाया तो सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट नहीं था ना। देखो हम 9 क्लास में तो पढ़ते हैं कि अल राज़ी वॉज द फर्स्ट टू प्रिपेयर अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, ऐसा याद किया होगा आपने। तो सबसे पहले अबू मूसा अल राज़ी एक मुसलमान साइंसदान नहीं, इथाइल अल्कोहल को बनाने का तरीका बताया था। देखो एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, क्योंकि इथाइल अल्कोहल को हम लोग दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे यूजेज हैं, तो होम्योपैथिक दवाइयाँ इसके बिना बन नहीं सकती, तो इसको तो सही पर्पस के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको किताब से इसलिए उड़ा देना कि इससे शराब भी बनता है, तो ये एक इलॉजिकल सी एक बात थी, क्योंकि मुसलमान साइंटिस्ट ने ही हमें बताया था कैसे बनाया जाता है इसको, क्योंकि उसके अच्छे इस्तेमाल भी हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, तो परचेस नहीं ख़त्म कर सकते, ठीक है। तो ये लेकिन ख़त्म कर दिया गया इसे। तो इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल का यूज़ भी नहीं लिखा गया इसके अंदर कि इसको हम एज अ बेवरेज यूज़ करते हैं। इसमें लिखा गया इसको हम एज अ टिंचर यूज़ करते हैं। टिंचर आपने देखा होगा ज़ख्म साफ़ करने के लिए, टिंचर देखा होगा ना भाई, जिससे ज़ख्म वगैरह जो है ना उसको साफ़ करते हैं, तो वो अल्कोहल होता है ना। वो पायोडीन तो अलग चीज़ है, पायोडीन तो पायोडीन आयोडीन होता है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। मैं टिंचर की बात कर रहा हूँ, जो स्पिरिट, जिसको स्पिरिट भी कह रहे होते हैं जिसको, तो उसी की स्मेल आती है क्लिनिक से, ठीक है। तो वो इथाइल अल्कोहल होता है, लेकिन वो डी नेचर्ड होता है, मतलब वो पीने के काबिल नहीं होता, उसको टॉक्सिक होता है वो। उसमें हम उसको कुछ चीज़ें ऐड करके उसके अंदर मिथेनॉल कुछ थोड़ा सा अमाउंट में ऐड करके उसको टॉक्सिक कर देते हैं, ताकि उसको पीने के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। तो वो पिछले बुक के अंदर ये सारी चीज़ें थी, इस बुक में नहीं है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एक तो प्रोपाइल अल्कोहल होते हैं, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मतलब सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल जिसको हम कहते हैं। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को रबिंग अल्कोहल भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रबिंग अल्कोहल। और इसको ड्यू टू इट्स, उसको इस्तेमाल किया जाता है रबिंग अल्कोहल के तौर पे इसकी एंटीसेप्टिक नेचर की वजह से, जिसको हम अल्कोहल पैचेस वगैरह कहते हैं ना, जो लगाते हैं, तो अल्कोहल पैचेस होते हैं बुखार वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो अल्कोहल जो होता है हमारे पास है ना, तो ये जो होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको इस्तेमाल किया जाता है लाइक रबिंग अल्कोहल के तौर पर, रबिंग से मुराद के रब करने के लिए, रबिंग अल्कोहल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है एज अ एंटीसेप्टिक एजेंट। जो हमारे पास सैनिटाइजर्स बन रहे होते थे ना कोविड के टाइम में, बहुत सारे सैनिटाइजर बने, तो जो सैनिटाइजर बनाने का तरीका होता था ना, उसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ किया जाता था, तो उसमें लिखा होता था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सैनिटाइजर में देखना तो वो रबिंग अल्कोहल होता है, जिसमें हाथ में डाल के उसको रब कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं हाथ को, तो सैनिटाइजिंग नेचर होता है उसका, ये एंटीसेप्टिक होता है, जर्म्स को किल करता है, तो ये रबिंग अल्कोहल। तो अल्कोहल के मतलब मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसके अलग अलग इस्तेमाल है। मिथाइल अल्कोहल स्पिरिट है, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इथाइल अल्कोहल को एज अ टिंचर यूज़ करेंगे जख्म साफ करने के लिए, और रबिंग अल्कोहल, और ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, ये नॉर्मली है ना, जिसको हम कहते हैं सैनिटाइजर के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं, जो सैनिटाइजर कहलाता है हमारे पास, ठीक है, रब करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है भाई? तो ये थोड़ी छोटी सी बात थी, तो मैंने यूजेज आपको अल्कोहल के बता दिए, ठीक है। तो हर अल्कोहल हराम नहीं है, इसमें सेकंड वाला जो है ना, दैट इज़ ओनली थिंग विच इज़ नॉट परमिसेबल इन इस्लाम। जो हराम अल्कोहल है वो इथेनॉल है, इथेनॉल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी अल्कोहल है, लेकिन वो यूज़ किया जा सकता है। तो जब नॉर्मल बंदा अल्कोहल कह रहा होता है ना, राह चलता है वो कोई इंसान, जब अल्कोहल कह रहा होता है कि फलां चीज़ अल्कोहल की बनी है, फलां चीज़ में अल्कोहल है, तो उससे मुराद उसकी होती है इथाइल अल्कोहल। लेकिन ऐसी बात है, एक शख्स जो राह चलता हुआ इंसान है, वो अल्कोहल्स के बारे में इतना नहीं जानता जितना हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो वो जस्ट अल्कोहल कहता है, लेकिन हम एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट समझते हैं कि वो इथाइल अल्कोहल कहना चाह रहा है, ये इथेनॉल कहना चाह रहा है, C2H5OH कहना चाह रहा है, सही बात है। तो फ़र्क होता है इंसानों के अंदर। क्लियर है? बात समझ में आ गई? हर सब्जेक्ट का अलग एक डोमेन है ना भाई। जब हम बात बायोलॉजी की, जब मैं बात करूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, मैं कहूँगा भाई कि हार्ट है, हार्ट के अंदर बस ये चीज़ें हैं, चार वॉल्व इसके हैं, दैट्स इट। अब इसके अलावा, लेकिन ये बायो के टीचर जब इस पर बात करेंगे तो वो बहुत इन डिटेल इसके अंदर बात करेंगे आपके पास, जो मैं नहीं कर सकता, और शायद एक आम इंसान को ज़रूरत भी नहीं उसको पता होने की, लेकिन एक जो बायोलॉजी पढ़ने वाला बच्चा उसको पता होना चाहिए, ऐसी बात है ना भाई। इस तरह फिजिक्स के अंदर अगर मैं बात करूँगा तो मैं एक बेसिक बात करूँगा, मुझे थर्ड लॉ बोलोगे, मैं बोला बॉल दीवार पे मारो, दीवार टकरा के वापस आ जाए, थर्ड लॉ यही है। लेकिन जब फिजिक्स के टीचर इसके बारे में बात करेंगे तो वो मोमेंट ऑफ एनर्शिया, एनर्शिया, रिकॉयल, रिपल्स, पता नहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें, इंपल्स वगैरह बहुत कुछ बात करेंगे, जो लेकिन मैं नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट टीचर फिजिक्स। ऐसे ही ना भाई, हर सब्जेक्ट का अपना डोमेन है जिस पर रहते हुए हम बात करते हैं। तो मेरा सब्जेक्ट डोमेन केमिस्ट्री है, तो मैं बहुत जमीन आसमान की बातें कर सकता हूँ उसके ऊपर, मेरा डोमेन ये है, दैट्स वाई। और आप एज अ स्टूडेंट, आपको सारी चीज़ों को डिटेल पता होना चाहिए, क्योंकि आप टीचर नहीं है, आप एक स्टूडेंट है, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो आपको बायो केमिस्ट्री फिजिक्स इन डिटेल पता होने चाहिए। आप केमिस्ट्री, अगर आप इंजीनियरिंग के हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपको इन डिटेल पता होने चाहिए। टीचर के लिहाज से कि उसको एक ही सब्जेक्ट जो वो पढ़ा रहे वो डिटेल में आनी चाहिए, सिंपल सी बात है।
बात समझ में आ गई। तो यूजेस तक हो गया, अब आते हैं हम प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं, ये ज़्यादा टॉपिक समझने वाला है। तो हमारे पास पांच तरीके हैं अल्कोहल्स को बनाने के, जिनमें से कुछ हमारे पास पड़े हुए, जो पड़े हुए पहले मैं उसको कट ऑफ कर देता हूँ, बल्कि अक्सर ही पड़े हुए, पहला वाले भी पड़ा हुआ है, दूसरा तरीका भी पड़ा हुआ है, तीसरा तरीका भी पड़ा हुआ है, और चौथा और पांचवा मुझे पढ़ाना है। 1, 2, 3 आपने पढ़े हुए, मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, आपको लग पता जाएगा कि हाँ भी हमने पढ़ा है। फर्स्ट है बाय दी हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स के हाइड्रेशन करके, वाटर से रिएक्शन करके। एक छोटे से इक्वेशन बस लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। C2H4 हमने लिया और उसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, ये हमारे पास हो गया C2H5OH, सिंपल, ठीक है, पढ़ा हुआ रिएक्शन ही पहला हो गया। पहला तरीका अल्कीन्स की हाइड्रेशन करके, अल्कीन्स का वाटर से रिएक्शन करके हम अल्कोहल बना सकते हैं। अल्कीन चेंज कर दो, अल्कोहल चेंज हो जाएगा, ऐसा ही है। अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था रिएक्शन, ये चैप्टर 5 के अंदर, पहला हो गया। दूसरी बात, बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कलाइड विद स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्वस मीडियम में, याद करो ये रिएक्शन तो कई बार, बहुत बार पढ़ा है। C2H5Cl ले लिया और NaOH ले लिया, या KOH ले सकते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं, KOH ही ले लेते हैं जो आपको याद है, और मीडियम ले लेते हैं एक्वस, क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, SN, ठीक है। तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बना इथाइल अल्कोहल दोबारा से, और साथ में क्या बना, KCl बना, पढ़ा हुआ रिएक्शन है ये, पूरा मैकेनिज्म पढ़ा हमने इसका, SN1 SN2, ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ तो स्टार्ट करते थे बात को हम। उसके बाद तो हमने पढ़ा भाई कि स्टेप, दो स्टेप, ट्रांजिशन स्टेट, तो फलाना ढिमकाना सब कुछ पढ़ा इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो पता ही है हमें, हमने तो उसके पूरे पोस्टमार्टम के इस रिएक्शन का कि कैसे होता है, याद आ रहा है कुछ, SN1 SN2 टेस्ट है नेक्स्ट वीक, तो ऐसे याद करना है आपको। थर्ड उसके बाद है बाय द रिएक्शन ऑफ RMGX विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, याद है कुछ, ये काफ़ी लॉन्ग रिएक्शन है, 3 रिएक्शन इसके अंदर थे, पिछले लास्ट सैटरडे की क्लास थी ये, है ना, तो बिल्कुल एंड एंड जब क्लास चल रही थी हमारी, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर अल्कलाइड को अगर हम रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से करते हैं तो फिर हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल आते हैं। मैं इन डिटेल बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है, फिलहाल मैं बस ये बात करता हूँ कि RMGX का रिएक्शन जब हम करते हैं फॉर्म एल्डिहाइड के साथ, या फॉर्म एल्डिहाइड है ना, तो क्या हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल मिलता है हमें। रिएक्शन पीछे कर लिया आपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर। इसी तरह से RMGX अगर आप लेंगे और उसकी रिएक्शन आप एसिड एल्डिहाइड से करेंगे तो क्या सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा था, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर यही RMGX का रिएक्शन हम लोग कर लें किसके साथ, एसीटोन के साथ, कीटोन के साथ, तो क्या टर्शियरी अल्कोहल मिल रहा था, 3 डिग्री अल्कोहल। पढ़ा हुआ रिएक्शन है कि नहीं है, अब चेक कर लो पीछे जाकर, ठीक है। आज फोर्थ मेथड हमारे पास है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये डिस्कस करते हैं डिटेल में फोर्थ रिएक्शन को। तो फोर्थ रिएक्शन हमारे पास है, दिस इज बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो यहां लिख देता हूं मैं बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। देखो सबसे पहली बात तो रिडक्शन, रिडक्शन के मायने मैंने कल आपको बताए थे, दोबारा से बताता हूं, दो मायने लेते हैं ना भाई। यहां पर हम लेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एडिशन, ठीक है, और कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स किन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है, विच कंटेन्स कार्बोनाइल ग्रुप्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स हम उनको कहते हैं जिसमें कंटेन्स कार्बोनाइल ग्रुप, जिसमें हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होगा। और कार्बोनाइल ग्रुप किसे कहा जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ना, ये वाला ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में आ गया तो हम उसे कहेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड। और ये आपको पता है दो में हमारे पास आ रहा होता है, दो तरह के कंपाउंड्स कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाते हैं, एक हमारे पास कहलाता है एल्डिहाइड और एक कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास होता है, उसको हम लोग कहते हैं कीटोन। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ आर कंसीडर्ड एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स बिकॉज दे कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप। अगर कोई बच्चा अभी तक नहीं समझता है चीज़ों को तो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बोनाइल के एक तरफ हाइड्रोजन होता है राइट साइड पर, और कीटोन में कार्बोनाइल के एक तरफ रेडिकल होता है, बाकी इधर पर तो रेडिकल होगा, इधर पर भी रेडिकल होगा, ठीक है, यही है ना भाई। ये अब तो कई बार हम समझ चुके हैं इसके बीच का फर्क, और अब देखते साथ समझ में आता है कि एल्डिहाइड ये कीटोन है, ठीक है। अब दोनों की हम रिडक्शन कर सकते हैं, 1 डिग्री की मतलब एल्डिहाइड की भी कर सकते हैं, कीटोन की भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों में ना चीज़ें अलग अलग बनेंगी, ज़रा देखो। अब जैसे मैं एल्डिहाइड की पहले मैं करता हूँ, फिर मैं कीटोन की करता हूँ, दोनों में प्रोडक्ट आपको अलग अलग तरह का मिलेगा।
पहला जैसे कि मैं एल्डिहाइड का कर देता हूँ, कोई भी एल्डिहाइड हम ले सकते हैं, कोई भी एल्डिहाइड आप ले लेते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम ले लेते हैं एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, ये हमने एसिड एल्डिहाइड ले लिया, इथानल, ठीक है, और इसकी रिडक्शन करनी है। अच्छा, अब रिडक्शन करने में ना दो तरीके रिडक्शन करने के हैं। एक तरीका तो निकल प्लैटिनम पैलेडियम कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है, मतलब इसके रिएक्शन डायरेक्टली बेटा आप हाइड्रोजन से करा दें, और हाइड्रोजन चूँकि अब हाइड्रोजन चूँकि लेस रिएक्टिव होता है तो कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं तीन में से एक, निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, इनमें से कोई एक कैटलिस्ट यूज़ कर लेंगे। अब उससे होगा क्या, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, पाई बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन इधर पर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इधर पर ऐड होगा, ठीक है। बच्चों देखो, अब ये क्या हो गया हमारे पास, CH3, उसके बाद COH, फिर यहाँ H और फिर यहाँ H, तो इथाइल अल्कोहल हमारे पास बन गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो सिर्फ याद रखनी है, इथाइल अल्कोहल तो बना C2H5OH, अल्फा कार्बन के एक तरफ रेडिकल है, तो क्या ये प्राइमरी अल्कोहल बना ना भाई, प्राइमरी अल्कोहल या प्राइमरी इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपने देखा। अच्छा, इसी ऑक्सीडेशन को हम एक और अंदाज से भी कर सकते थे, सॉरी, इसी रिडक्शन को हम एक और अंदाज से भी कर सकते थे, अगर हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ कर लें, जैसे कल मैंने बताया था आपको, उसके लिए नेसेंट हाइड्रोजन, फिर नेसेंट हाइड्रोजन भी रिएक्टिव होता है हमारे पास, लार्ज ब्रैकेट एच होता है ना। अभी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लेते हैं, वो दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक यूज़ कर सकते हैं LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये, या फिर एक और यूज़ कर सकते हैं NaBH4, ये भी यूज़ कर सकते हैं NaBH4 सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, ये दोनों हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये हमारे पास जो लिथियम वाला जो होता है ना, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हमारा थोड़ा सा वीक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो दोनों ही हैं, ठीक है, कोई एक यूज़ कर लेंगे। अब ये क्या करेगा बेटा, नेसेंट हाइड्रोजन को लिबरेट करता है, ये सोर्स होता है नेसेंट हाइड्रोजन का, तो दो नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक एच यहाँ एक एच यहाँ, तो सेम रिडक्शन हो गई, सेम कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही चीज़ बनेगी, प्राइमरी अल्कोहल, समझ गए। तो उसका मतलब एल्डिहाइड की जब भी रिडक्शन की जाए, अब वो रिडक्शन दोनों तरह से हो सकती है, या तो आपको कैटालिटिक रिडक्शन कर दें कोई कैटलिस्ट लेकर, या फिर आप रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर लें, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। दोनों सूरतों में क्या होगा, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल जनरेट हो जाएंगे, तो ये भी एक अल्कोहल बनाने का तरीका हुआ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन से। लेकिन मैंने अभी किसको यूज़ किया, सिर्फ एल्डिहाइड को, अब मैं कीटोन को यूज़ करूँगा तो मैं बताऊँगा कैसे बन रहा है, बस समझ नहीं आता। इसके बाद हमारे पास अब कीटोन की करते हैं सेम यही जो है वो हम रिडक्शन, एल्डिहाइड की तो मैंने क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में दोनों आ जाते हैं, एल्डिहाइड भी आ जाते हैं कीटोन भी आ जाते हैं, एल्डिहाइड की रिडक्शन तो कर ली। अब अगर हम यहाँ पर कीटोन्स की रिडक्शन करते हैं, बी पार्ट करते हैं इसका, कीटोन्स की रिडक्शन करें, तो वो भी दोनों तरह से की जा सकती है, तो इसमें भी दोनों तरीके हैं, आप कोई भी यूज़ कर लो। कीटोन में हम एक सिंपल कीटोन यूज़ कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, ये वाला हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट मेंबर जिसका होता है एसीटोन जिसको हम कह सकते हैं, या प्रोपानोन कहते हैं जिसको हम लोग, ठीक है, तो डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, तो दिस इज प्रोपानोन, तो प्रोपानोन हमने यूज़ कर लिया कीटोन के अंदर, और इस पर क्या करें, सेम वही के H2 यूज़ कर लें, और H2 यूज़ कर लें, निकल प्लैटिनम पैलेडियम में से कोई एक यूज़ कर लेते हैं, Ni यूज़ कर लिया, निकल यूज़ कर लिया, ज़्यादा सस्ता यही पड़ता है और इस्तेमाल भी यही होता है, रेनियस कैटलिस्ट कहते हैं ना, उसको बताया था मैंने, तो ये ईजी होता है, तो हमने निकल यूज़ कर लिया। अब हुआ क्या, सेम यही चीज़ के पाई बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन इधर पर एक हाइड्रोजन इधर पर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो बच्चों, तो CH3 कार्बन, उसके बाद फिर हाइड्रोजन, फिर OH, फिर यहाँ पर CH3 आ गया। अल्कोहल तो बना, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ये जो हमारे पास अल्कोहल है, अल्फा कार्बन के दो तरफ रेडिकल्स हैं, सेकेंडरी बना और तीन कार्बन है, तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल भी डायरेक्ट कह सकते हैं, तो क्या आइए आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कीटोन की जब हम रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड से तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, और कीटोन की रिडक्शन करने से हमें क्या मिलेगा, हमारे पास 2° या सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग एक और तरह से भी कर सकते थे, लाइक अगर हम ये कीटोन ले लें और नेसेंट हाइड्रोजन के थ्रू भी तो कर सकते थे, तो वही आप इसमें या तो NaBH4 यूज़ कर लो या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर लो, दोनों में से कोई एक, तो सेम यही होगा, ठीक है। तो दोबारा से हमारे पास जो है वो दिस इज सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो साबित ये हुआ कि जब हम रिडक्शन करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड की, मतलब जब उसके पाई बॉन्ड तोड़ के दो हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एल्डिहाइड के केस में प्राइमरी या 1° अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, और कीटोन के केस में हमारे पास टर्शियरी या 2° अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। रिडक्शन भी दो तरह से की जा सकती है, आइदर आप H2 को यूज़ कर लो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, या फिर आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लो जो आपका नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट कर दे, ठीक है, क्लियर।
लास्ट रिएक्शन हमारे पास है फिफ्थ वन बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, सॉरी बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। यहाँ से आपको फिफ्थ दिख रहा है, दोबारा से रिडक्शन करते हैं, लेकिन अब रिडक्शन हम करेंगे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की। और इसमें भी क्या होगा हमारे पास बेटा कि जो है वो ये अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होगी, अल्कोहल इससे भी बन सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो RCOOH ही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और एस्टर किसे कहते हैं, दिस इज RCOOR। तो ये दो अलग अलग रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे और जैसे यहाँ पर दो अलग अलग किया था ना, एल्डिहाइड का अलग कीटोन का अलग, इसमें भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ए पार्ट बी पार्ट करके कर लेते हैं, पहले हम रिडक्शन कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो बेटा ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, दो स्टेप पर जाकर ये रिएक्शन हमारे पास करेगा, ठीक है। एक हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी ले सकते हैं, एसिटिक एसिड हम ले लेते हैं, ठीक है। तो CH3C OOH ये हमारे पास है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसकी अगर हमें रिडक्शन करनी है, अब यहाँ पर रिडक्शन का मतलब यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अब यहाँ पर हम नहीं लेंगे, यहाँ पर रिडक्शन का मतलब हो जाएगा दिस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा यहाँ पर बजाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने के, जैसे अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग जो है रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो नेसेंट हाइड्रोजन हमने ले लिया, टू नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर हम ले लेंगे, और ये इसके लिए हमने कोई स्ट्रॉन्ग हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं LiLiH4। अब हुआ क्या यहाँ से बजाय, तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को ये रिमूव कर देगा, जब ऑक्सीजन रिमूव होगा यहाँ से तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3C OO, और उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा H। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड बन गया ये हमारा। तो शुरू में हमारे पास था ये, दिस इज एसिटिक एसिड था ना ये स्टार्ट में, एसिटिक एसिड, और अभी हमारे पास बन गया दिस इज एसिट एल्डिहाइड। अब इसकी फर्दर हम दोबारा से अगर रिडक्शन कर दें, अब यह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाती है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यही है, ठीक है। तो अगर हम दोबारा से इसकी मतलब दोबारा से 2H मतलब इसके साथ ऐड कर दें, सेम वही है जैसे LiLH4 यूज़ कर लेते हैं, अब यहाँ बजाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होने के एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा, तो बन गया हमारे पास अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल दोबारा से CH3, उसके बाद OH आ गया, फिर यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर H आ गया, इथाइल अल्कोहल बन गया। तो वही बना बट डबल स्टेप में, फर्स्ट स्टेप पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, सेकंड पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जा रही है, हो दोनों में रिडक्शन रही है। अब सेम यही चीज़ हम किसके लिए देख रहे हैं बच्चों, अब सेम यही चीज़ हम देखते हैं लाइक फॉर कीटोन्स, सॉरी एस्टर्स के लिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, एक ही स्टेप में यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ रिएक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच होगा, तो ये CH3C, फिर ये OH, और फिर यहाँ पर एक H हमारे पास जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ से OCH3 जो है ना, ये पूरा इस H के साथ रिएक्शन करके यहाँ एक H आ जाएगा, और ये CH3O जो है ना, वो इस रिएक्शन करके CH3OH की फॉर्मेशन हमारे पास कर लेगा। मतलब ये पूरा CH3O जो है ना, वो H के साथ जाकर मिलकर यहाँ पर मिथेनॉल की फॉर्मेशन कर लेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी सेम हमारा जो है ना, सेकेंडरी नहीं बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और साथ में हमारे पास जो है वो मिथेनॉल की फॉर्मेशन होगी। तो इधर पर आप यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रही है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर हो रही है, दोनों चीज़ें एक साथ यहाँ पर करके आप शो कर दें। तो ये हमारे पास एक इथाइल अल्कोहल बना और ये मिथाइल अल्कोहल बना, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास एक साथ इसके अंदर बनेंगी। तो ये रिएक्शन इसको करेक्ट कर लें, जो पहले चीज़ गलत हो रही थी, फिर से बता रहा हूँ क्या मैकेनिज्म है। ये बॉन्ड टूटा यहाँ पे पाई बॉन्ड, एक एच यहाँ आया, एक एच यहाँ आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास बन जाएगा जैसे इथाइल अल्कोहल, ये वाला स्ट्रक्चर। फिर ये जो OCH3 है पूरा, ये इस एच के साथ मिलकर CH3OH बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, पूरा CH3 के साथ निकलेगा। तो हमने जो किया, और यहाँ पर हाइड्रोजन चूँकि जाहिर सी बात है बैलेंस जब हमें इसे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें 4 नेसन हाइड्रोजन के एटम्स यूज़ करने पड़ेंगे, तब जाके ये बैलेंस हो जाएगा ना। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 3, 6, 6 और 4, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10 बैलेंस हो गया, अनबैलेंस। ये उसके बाद हम देखते हैं रिएक्शंस, यहाँ पर पांचों प्रिपरेशंस हमारे पास इसके हो गए कि किस किस तरह से हम अल्कोहल्स को जनरेट करते हैं, बनाते हैं। पहला तरीका तो अल्कीन्स की हाइड्रेशन करी, दूसरा के अल्काइल एसिड के रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से किया, तीसरे में ग्रिग्नार्डिजन के रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन से किया, चौथे में एल्डिहाइड और कीटोन को दो तरह से रिड्यूस किया, और पांचवें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स को हमने रिड्यूस किया।
तो ये सारे तरीके हमारे पास है, पांच तरीके टोटल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। इसमें से दो न्यू है, चार और पांच चौथा और पांचवा, बाकी तीन तो हमने पढ़े हुए थे, तो इस पर हमने थोड़ा ज्यादा डिटेल में बात कर ली। बाकी अब आते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स रिएक्शन कैसे करते हैं, आखिरी टॉपिक है। अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्कोहल्स के रिएक्शंस, देखो अल्कोहल बेटा दो तरह के रिएक्शंस करता है अल्कोहल, ये चीज़ याद रखें सबसे पहली बात। अब दो तरह के रिएक्शन कैसे, अगर अल्कोहल का रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से भी हो सकता है, अल्कोहल रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से भी कर सकता है, दोनों से कर सकता है, ठीक है। अगर अल्कोहल का रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से होता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब किसी पॉजिटिव चार्ज स्पीशी से, तो उसमें क्या होता है कि आर ओ एच में ओ और एच के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, ओ एच के बीच का जो बॉन्ड है आर ओ एच में वो ब्रेक हो जाता है अगर ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करे। और यही अल्कोहल अगर रिएक्शन कर रहा होता है किसी न्यूक्लियोफाइल से मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीशी से, तो बजाय ओ एच बॉन्ड के जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है ना, आर ओ बॉन्ड जो होता है ये ब्रेक हो रहा होता है। तो दो तरह से बॉन्ड क्लीवेज होती है, दो तरह से बॉन्ड टूट सकता है अल्कोहल का, ओ एच के बीच का बॉन्ड भी टूट सकता है और सी ओ के बीच का बॉन्ड भी टूट सकता है, ठीक है। तो ये वाला दो तरह के बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो सकते हैं, तो या तो ओ एच वाला या तो आर ओ वाला। अगर इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करता है तो ओ एच के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, क्लेवेज होता है, और अगर न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता है तो आर ओ के बीच का बॉन्ड हमारे पास क्लीव होता है या टूटता है। और इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर भी अलग अलग है, अगर ओ एच के बीच का बॉन्ड टूट रहा है तो इसमें 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो दिस इज एक्चुअली रिएक्टिविटी ऑर्डर, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वही सेरिक हिंड्रेंस वाला मामला आएगा कि 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री से, ठीक है। और अगर आर ओ के बीच का बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ पर उल्टी होती है, रिएक्टिविटी ऑर्डर रिवर्स होता है, 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री से। तो याद करना है कि अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि बॉन्ड कौन सा टूट रहा है। अगर ओ एच का बॉन्ड टूट रहा है इलेक्ट्रोफाइल की मौजूद की रिएक्शन करने से तो ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर, और अगर सी ओ का बॉन्ड टूट रहा है न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से तो ये हमारे पास जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर मौजूद है। इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, R प्लस पे अटैक कर देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल O माइनस पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, याद रखिए, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल में, चूंकि कोई फिक्स एक बात नहीं है, बॉन्ड टूटने पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। मतलब OH के बीच का बॉन्ड टूटे अगर तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी अल्कोहल्स रिएक्टिविटी करेंगे, और अगर RO के बीच का बॉन्ड टूटना होगा तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, सही है, उसको याद रखना। अब हम रिएक्शंस कर लेते हैं लाइन से, पांच रिएक्शन है। सबसे पहला रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। कुछ रिएक्शंस हमारे पास पढ़े हुए, ऑलरेडी पढ़े हुए, जैसे पहला रिएक्शन हमारे पास ये हुआ हुआ है, दूसरा रिएक्शन भी पढ़ा हुआ है, तीसरा रिएक्शन भी पढ़ा हुआ है, चौथा और पांचवा, बस आखिरी के ये दो रिएक्शन पढ़ने हैं हमें, तो आराम से पढ़ सकते हैं हम इजिली। पहले मैं रिएक्शंस लिख लूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि कौन सा रिएक्शन है ये। पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड HX के साथ, तो यकीनन हमने अल्कोहल हैलाइड बनाया था इसके जरिए, अगर आपको याद हो तो देखें। तो मैं लिखता हूँ बहुत आसान इक्वेशन, शुरू के तीन तो बच्चों वाले इक्वेशन हैं, CH3OH ले लिया प्लस हैलोजन एसिड मतलब HCl ले लिया, तो क्या बनेगा, तो ये बॉन्ड, अच्छा यहाँ पर जो बॉन्ड क्लीवेज हमारे पास हो रही है प्लस माइनस हुआ, और ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है ना भाई, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला माइनस से जुड़ा, माइनस वाला प्लस से जुड़ा, तो क्या बना हमारे पास, CH3Cl अल्कोहल हैलाइड बना और प्लस वाटर बना, याद आया रिएक्शन, ये अल्कोहल हैलाइड बनता है इसके अंदर, पढ़ा हुआ रिएक्शन था चैप्टर 6 के अंदर। दूसरा है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOX2PX3, ये भी पढ़ा हुआ है, एसो थायोनिल क्लोराइड से जो कर रहे थे, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से कर रहे थे, ये भी अल्कोहल हैलाइड की फॉर्मेशन हो रही थी इसके अंदर। चलो मैं आपको याद दिलाता हूँ ताकि आपको जहन में आ जाए, CH3OH लिया हमने, इसके रिएक्शन हमने कर लिया SOCl2 के साथ, X में कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बन रहा था CH3Cl बन रहा था, बाय प्रोडक्ट में SO2 और HCl निकल रहा था, याद आया, इसको हम लोग कह रहे थे थायोनिल क्लोराइड, चैप्टर 6 का रिएक्शन है ये। इसी तरह से CH3COOH का रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं PX3 मतलब PCl3 से कर लेते हैं, याद आएगा आपको CH3Cl बन रहा था, H3PO3 बन रहा था फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो पढ़ा हुआ रिएक्शन है ये भी, चैप्टर 6 का तीसरा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये भी पढ़ा हुआ है, इसको हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में, अल्कीन्स को बनाने के लिए इथीन को, ये तो टेस्ट भी हो गया इसका, ठीक है। तीसरा रिएक्शन अल्कीन को बनाने के लिए, अगर हम अल्कीन की, अगर अल्कोहल के डिहाइड्रेशन कर ले, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, तो C2H5OH ले ले, डायरेक्ट शॉर्टकट मारते हैं, ठीक है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपने पढ़ा है क्या चीज़ होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हॉट एंड कंसनट्रेटेड। अब जब सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से वाटर रिमूव कर देगा, जब OH और AH यहाँ से रिमूव होगा तो अल्कीन बन जाता है हमारे पास से, याद आया कुछ, तो यही पढ़ा था अल्कीन की इथीन को बनाने के लिए।
तो कोई मसला ही नहीं था, इतनी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो सर, बाकी रिएक्शन में तो इतना टाइम लगा दिया आप, तो ये पढ़ा हुआ था, दैट्स वाई। अब देखो अगले में कितना टाइम लगाऊंगा, परेशान हो जाएंगे, खत्म कर दीजिए सर, समझ में आ गया। देखो नया टॉपिक है तो लंबी कहानी करते हैं उसके अंदर हम लोग, सही है। अब इसलिए तेजी में पढ़ा, वरना मेरी आदत नहीं है तेजी में पढ़ाने की, ठीक है। ये पढ़ा हुआ रिएक्शन था, 1 2 3। उसके बाद पहले तीन लिखें फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, चौथा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर हम लेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन के दो मायने होते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की रिमूवल। अब देखो बेटा ऑक्सीडेशन जो अल्कोहल की होती है ना, तो तीन तरह से हो सकती है, हम तीन तरह की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल की भी कर सकते हैं, अगर 1 डिग्री अल्कोहल अगर हम लेंगे या प्राइमरी अल्कोहल लेंगे इसके ऑक्सीडेशन करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल की, तो हमारे पास बनता है एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड आ जाता है। 2 डिग्री अल्कोहल्स अगर हम लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल्स के जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कीटोन मिलेगा। और 3 डिग्री अल्कोहल्स अपने हाई स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है कि ये हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, तो कोई भी इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो तीन ऑक्सीडेशंस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तीन तरह की ऑक्सीडेशन होती है। अब एक एक करके देखते हैं, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की। तो पहले 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, लाइक सिंपल इथाइल अल्कोहल लेते हैं, सबसे आसान। तो अगर हमने इथाइल अल्कोहल ले लिया, CH3COH, यही है ना इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, ये ले लिया बेटा हमने। ऑक्सीडेशन करनी है तो ऑक्सीडेशन करते हुए नेसेंट ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, रिडक्शन करने में नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा होता है, सोर्स क्या होता है इसके, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग हमने पिछली बार भी बताया था मैंने आपको, तीन तरह के हो सकते हैं, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ पर जैसे कि हम लेते हैं K2Cr2O7, इसको हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, हमने पढ़ा हुआ इसको है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में एसिडिफाइड मीडियम में काम करता है ना ये, तो दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ हुआ क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। अब उससे होगा क्या यहाँ पर, कि इधर पर 3 बॉन्ड, इधर पर 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड O और H प्लस वाटर रिमूव हो गया। अब आप देख सकते हैं बेटा कि एल्डिहाइड बना गया हमारे पास, इथेनल कह सकते हैं इसको हम IUPAC नेम में, कॉमन नेम में नाम देना चाहो तो ये हमारे पास हो गया, दिस इज एसिड एल्डिहाइड। तो हमने इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके एसिड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर दी। अब यही अगर हम ले लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, अगर यही हम ले लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मतलब है, लाइक CH3C डबल बॉन्ड O CH3, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन ले लिया मैंने, सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो जाता है, CH3COH, पता 2 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 डिग्री हमने ले लिया अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल है सेक्प्रोपाइल अल्कोहल, इसी को हम लोग कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल है, या अल्फा कार्बन के दो तरफ रेडिकल दिख रहे हैं, ये बात हज़ार बार कर चुका हूँ मैं क्लास में खड़े हुए, ठीक है, और चूंकि केमिस्ट्री में यही घूमता रहता है। अब इसकी ऑक्सीडेशन करनी है तो सेम वही काम करना है, क्या करना है, नेसेंट ऑक्सीजन यूज़ कर लेना है, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लें, स्ट्रॉन्ग K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, या अब एक बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, एक बॉन्ड पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2, हाँ बच्चों बना, यहाँ पर प्रोपानोन बन गया, डाइमिथाइल कीटोन। तो इसका क्या साबित हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना, 2 डिग्री से कीटोन। यही अगर हम 3 डिग्री के लिए करना चाहेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी। अब 3 डिग्री टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल दिख रहा है आपको, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, सेम वही ले लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब चूंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा क्रिएट हो गई है, स्टेरिक हिंड्रेंस हमारे पास यहाँ पर बढ़ गई है, तो सूरत में, और आपको पता है बॉन्ड यहाँ पर कौन सा क्लीव हो रहा है, या OH का बॉन्ड क्लीव हो रहा है ना भाई, तो 3 डिग्री यहाँ पर सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। चूँकि यहाँ जो बॉन्ड टूट रहा है आप देख सकते हैं, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है OH के बीच का बॉन्ड, और जब OH के बीच का बॉन्ड टूटता है तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी लीस्ट हो जाती है स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से, दैट्स व्हाई यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है पांचवा और आखिरी रिएक्शन है जो अल्कोहल्स का होता है, क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल्स यूजिंग HIO4, ठीक है, पहले इसको समझते हैं नाम इसका, क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है टूटना, बॉन्ड का टूट जाना, दैट्स क्लीवेज, ठीक है, टूट जाना, बीच से ब्रेक हो जाना, किसी चीज का दो बीच से हाफ हो जाना, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज, जिस प्रोसेस कॉल्ड, ठीक है। तो किसी चीज को तोड़ना, किसी चीज को ब्रेक करना, ब्रेक करके हाफ कर देना, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज, क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल्स, 1,2 डायोल्स की क्लीवेज।
वन टू डायोल किसे कहा जाएगा? वन टू डायोल से मुराद के दो कार्बन हो और एक ओ एच ये रहा, एक ओ एच ये रहा, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड वन टू डायोल। इथलाइन ग्लाइकोल याद है, इथन वन टू इथन डायोल, तो वो एक वन टू डायोल होता है। वन कॉमा टू डायोल का मतलब दो कार्बन हो, फर्स्ट पर और सेकंड पर ओ एच लगाओ, मतलब इथलाइन ग्लाइकोल जिसको कहते हैं, तो वो वन टू डायोल कहला सकता है। उसकी क्लीवेज करते हैं, जरा देखो सबसे पहले मैं इथलाइन ग्लाइकोल बनाता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये रहा हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको आराम से समझना पड़ेगा इस रिएक्शन को। तो दिस इज वन कॉमा इथ, या तो हम इसको कह सकते हैं, या तो हम इसको कह सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, एंटीफ्रीज है ना ये बेटा, या तो इसको हम कह सकते हैं वन कॉमा टू इथन डायोल, ये भी कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं इथन वन कॉमा टू डायोल, तो ये वन टू डायोल कहलाएगा ये, ठीक है। तो इसका रिएक्शन है ये, मतलब ये सिर्फ वही कर सकते हैं जो वन टू डायोल्स होंगे, ये मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल के रिएक्शन नहीं है, ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है जैसे वन टू डायोल्स का होता है। इनका रिएक्शन यहाँ पर हम बेटा किससे कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं इसका HIO4 से कराते हैं। अब HIO4 यहाँ पर क्या चीज़ है इसको समझना पड़ेगा। देखो एक हमारे पास एक तो HClO4, ये बड़ा एक HClO4 ज़्यादा मशहूर होता है HClO4, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड पर क्लोरिक एसिड, ये हमारे पास कहलाता है पर क्लोरिक एसिड HClO4। अगर आपने सुना फ्लैश ईटिंग एसिड भी इसको कहते हैं, फ्लैश ईटिंग एसिड मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग भी होता है बट लेकिन फ्लैश ईटिंग एसिड है, मतलब ऑर्गेनिक टिश्यूज को खाने वाला एसिड है ये। मीन्स उसके अंदर अगर आप गोश्त का कोई टुकड़ा, अगर आप ये एसिड है उसके अंदर गोश्त का कोई टुकड़ा आप डाल दें, एक बोटी गोश्त डाल दें गाय का, तो वो क्या करेगा 5 सेकंड में उसको डिजोल्व कर लेगा। तो सुना होगा इसको मूवीज में दिखाते हैं इसको ना अक्सर, कि अगर हाथ डाल के निकालोगे ना तो हड्डी बाहर आएगी और सारा गोश्त डिजोल्व कर लेगा। इसको कहता है पर क्लोरिक एसिड HClO4, बैंड केमिकल है कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। ऑर्गेनिक टिश्यूज के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है कोरोड करने के लिए उनको, ठीक है, पर क्लोरिक एसिड। तो डिकम्पोज करने के लिए क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, अगर मर्डर क्राइम सीन से ख़त्म करने के लिए इसी एसिड के अंदर डाल देते हैं बॉडी को, तो क्या होता है बॉडी पूरा वो गोश्त सबको डिजोल्व कर लेती है 5 मिनट के अंदर अंदर, अक्सर मूवीज CID वगैरह में दिखाते हैं। तो ये कहलाता है पर क्लोरिक एसिड HClO4, ठीक है। लेकिन बैंड केमिकल है कहीं नहीं मिलता दुनिया में, अगर इंडस्ट्रीज को दिया जाता है स्पेशल परमिट पर दिया जाता है, आम दुकानों में नहीं मिल सकता ये, तो कितना डेंजरस है, इंसान की जान को खतरा है। तो ये पर क्लोरिक एसिड तो बड़ा फेमस है। अब ये HIO4 है तो ये पर क्लोरिक एसिड के ये हो जाएगा पर आयोडिक एसिड, तो बस ये सिंपल इसी तरह से, इसका नाम तो हर कोई जानता है, इसका नाम अक्सर नहीं जानते, ये पर आयोडिक एसिड है HIO4। और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास ये होता है, और तो ये हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद रिड्यूस होता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, यही पढ़ा हमने। अब हुआ क्या, क्लीवेज का क्या मतलब है बेटा, कि ये जो बॉन्ड है ना यहाँ से, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेकेज हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और यहाँ से ये बॉन्ड टूटने के बाद ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाएंगे। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो HCOH हो जाएगा ये प्लस HCOH, ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ से अगर ये तोड़ दें इसको, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक कर दें और ये दोनों हाइड्रोजन निकाल दें, तो ये दो स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे हमारे पास। प्लस अब ये दोनों H इस एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, वाटर, और यहाँ से HIO4 रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, HIO3, जिसको हम लोग कहते हैं ये पर आयोडिक एसिड था ना, HIO3 हमारे पास सिर्फ कहलाता है आयोडिक एसिड, तो ये पर आयोडिक एसिड से आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जरा, कार्बन के तीन बॉन्ड हो रहा है और कार्बन चार बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्या ये दो फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन गए हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड मिथनल। तो ये हमारे पास कहलाता है क्लीवेज ऑफ वन टू डायोल, कि वन टू डायोल्स का रिएक्शन पर आयोडिक एसिड से कराएंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, दोनों से एक हाइड्रोजन रिमूव करके दो एल्डिहाइड बना देंगे और साथ में बाय प्रोडक्ट में वाटर और HIO3 बन जाएगा, ये रिड्यूस होकर HIO3 बन रहा है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है खुद रिड्यूस कर रहा है सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, सामने वाला ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है हाइड्रोजन को रिमूव करके, ये रिड्यूस कैसे हो रहा है ऑक्सीजन को कम करके, क्योंकि ऑक्सीजन निकल जा रहा है इसमें से, क्लियर है। तो ठीक है, ये सारे रिएक्शन हमारे पास हो गए अल्कोहल्स के।